प्रोड्यूसर का कितना बड़ा रोल इसमें होता है? जाहिर है बहुत बड़ा रोल तो होता है, लेकिन आपकी नज़र में एक फिल्म की सक्सेस में क्या कंट्रीब्यूशन होती है और क्या उनका रोल होता है? बिकॉज सरवर पट्टी साहब तो ये भी कहते हैं कि बाद में जितनी बनी है मौला जट के टाइटल से फिल्में, मौला जट इन लंडन या और भी दूसरी तीसरी, तो क्योंकि उसमें प्रोड्यूसर वो नहीं थे तो वो फिल्में हिट नहीं हुई। अच्छा जी, चलो हम ये मान लेते हैं, अगर इनकी यही दलील मान लेते हैं तो राधा जी, पहली बात तो यह है कि सरवर पट्टी साहब ने जिंदगी में जितनी भी फिल्में बनाई उनमें फिल्मों में मुझे कोई ओरिजिनल फिल्म दिखा, उन्होंने मौला जट बनाई या वैशी जट शुरू वहाँ से शुरू, वही करदार वो मैंने डाले थे। उन्होंने मिर्ज़ा जट बनाई, वो मिर्ज़ा जट की कहानी थी। उन्होंने बाजार हुसन बनाई, मैंने तो देखी नहीं, लोग कहते हैं कि कोरा कागज़ की टिकटों काफ़ी, आई डोंट नो, भारत इल्ज़ाम है लोग। अगर ये बात है कि सरवर भट्टी प्रोड्यूसर थे और वो हिट होगी फिल्म, जट इन लंदन बकौल उनके फेल है, मैंने प्रोड्यूसर से पूछा यार लोग कहते हैं तुम्हारी फिल्म फेल है, सरवर भट्टी भी कहता है, शाने मुस्तफा प्रोड्यूसर थे, कहता उन्होंने कहना कि तू उन्हीं कोठियाँ नहीं बनाइया जिन्हें मैं उस फिल्म को कोठियाँ बनाइया, मेरी इन्नी फिल्म ने बिजनेस किया है। एनी आओ चलो मान लीजिए फ्लॉप होगी, सरवर भट्टी नहीं था उसमें, राइटर वही था, डायरेक्टर वही था, एक्टर वही था, सरवर भट्टी साहब नहीं थे, फिल्म फेल होगी। कौन सी? जट इन लंदन, जिद्दी जट, हालांकि वो मौला जट के से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। चलो उसमें भी प्रोड्यूसर सरवर भट्टी नाथ नहीं था, राइटर नासिर अदीब था, डायरेक्टर यूनुस मलिक था, एक्टर सुल्तान रहमान कुरैशी थे, फिल्म फेल होगी, मान लिया। अब आते हैं सरवर भट्टी साहब की तरफ, मेरा सरवर भट्टी साहब से सवाल नहीं है, आपको सवाल करना चाहिए जिनसे कहा कि सरवर भट्टी साहब, मिर्ज़ा जट का डायरेक्टर भी वही था मसूद परवेज, राइटर भी अहमद राय साहब थे, और वो जो अपना खुदा म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो भी मासर नायब शान थे, सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं था एजाज दुरानी, वो फिल्म एक शो क्यों चली? लिहाजा ये कहना कि मैं था तो ये था, देखें मैं तो आज तक ये नहीं कहा कि अगर मैं था तो मौला जट ना बनती। मौला जट में सिर्फ मेरी किरदार नहीं था, मौला जट के डायलॉग मैंने बहुत अच्छे लिखे थे बेशक, लेकिन यूनुस मलिक ने उनको पिक्चराइज भी बहुत अच्छा किया था, एक्टरों ने उनको परफॉर्म ही बहुत अच्छा किया था। अब एक मामूली डायलॉग है, नवाए सुने दो डायलॉग हिस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो मुकालमे नहीं है जी, सिर्फ एक्टरों की डिलीवरी ने उनको मुकालमे बनाया। एक शोले का डायलॉग था, कितने आदमी थे, ठीक है, एक मौला जट का डायलॉग था, नवाए सुने, ये जो मुस्तफा कुरैशी साहब ने धीमे लहजे में बोला था इसने उसको अमर कर दिया। तो उसमें ये मैं कहूँ कि ये मैन ना होता तो नहीं, मौला जट की पूरी टीम का उसमें शेयर था, प्रोड्यूसर का उसमें क्या शेयर था कि प्रोड्यूसर ने वो रिक्वायरमेंट दी अपने डायरेक्टर को जो फिल्म की डिमांड, फ्लेक्सिबिलिटी उतनी देते हैं ना, ओपन हैंड दे देते हैं। अच्छा, हमारा हिकमत के साथ कैसा आपका एक्सपीरियंस है? बड़ी उन्होंने भी जान मारी, घर इतनी लंबी चली है फिल्म की शूट और पेंडिंग। देखिए जी, अब तो ऐसे लगता है वो जिन्हें मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं अपनी टीम में से बिलाल की और अमार की तारीफें करूँ लेकिन जो मैं आगे बात करता हूँ, हमने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं हमेशा तारीख की बात करता हूँ, मैं फैक्ट की बात करता हूँ, और तारीख अगर तारीफ बन जाती है तो वो तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मैंने जब भी उसे देखा मुस्कराते थे, जो बिलाल ने चाह किया उसने ये नहीं पूछा कि आप क्यों कर, ट्रस्ट था ना। मसलन अगर बिलाल ने एक एक्टर को चॉइस किया है, देखा है, मुतमिन नहीं हुआ उसकी परफॉर्मेंस से, तो उसने कहा कि मैं इस एक्टर को टेक करूँ, हमारा एक मतलब ये नहीं था कि यूथ पिक्चराइज की तरह से इतना मेरा खर्च होगा आप क्यों कर रहे, उसने कहा कर लें। अच्छा, उनको आती पंजाबी बोलने? नहीं, पंजाबी बोलने नहीं आती, लेकिन वो मैं आपसे कहा मैंने कभी सुना नहीं कि उसने ये कहा कि आपने ऐसा क्यों किया। इसी तरह अगर वो कोई सच डिस्टर्ब हो गया, दो दफ़ा लगा, तीन दफ़ा लगा, मैंने उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखी, तो फिर मैंने उसे देखकर एक जुमला बोला था जो उनको बहुत पसंद है, मैंने कहा देखें हमारे जी आपको देखकर मुझे एक बात याद आती है कि ताजमहल बनाना हो तो आप जैसा शाहजहां चाहिए, शाहजहां के बगैर ताजमहल नहीं बन सकता, कितनी अच्छी कहानी हो। अब यही कहानी मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर यहाँ किसी डायरेक्टर को पकड़ा दें और वो उसे खेतों में पिक्चराइज कर दे, उसे देखने कोई ना। इसका जो क्रेज़ बना है ना कि आज तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं, हालांकि इतनी दफ़ा अनाउंस होकर फिल्म डिले हुई, कभी कोविड की वजह से, कुछ की वजह से इतना डिले, और नेगेटिव अंदाज में लोगों ने बातें की, बिलाल तो 6 साल बाद फिल्म लगाता है, तो बात ये भी 6 साल बाद लग रही है।
तो इसके बावजूद मैं जो देख रहा हूँ, अब मैं जब घर से निकलता हूँ जो रेहड़ी वाले ना वो भी कहते हैं नासिर साहब मेरा ख्याल रखना। यदि वो लोग जिन्होंने कभी फिल्म देखी नहीं वो भी चाहते हैं कि हम इस फिल्म को देखें। तो ये जो क्रेज़ बना ये इस वजह से बना कि वो जिस ट्रेलर में जिस दुनिया को उन्होंने देखा है ना वो देखना चाहते हैं यार ये पूरी दुनिया कैसी है, छोटी सी तो हमने ट्रेलर में देखा ना, ये पूरी देखे कैसी है। बस यही बात है। और ये अगर किसी और होता कोई प्रोड्यूसर को कभी ना बना वो मतलब है ये इजाज़त नहीं है मैं मुझे बताने की, ये मना किया हो कि इस पर कितने पैसे लगे, लेकिन आपकी सोच होगी कितने पैसे लगे। चार पाई घूमती है और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो रिस्पांस अल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह इसको इतना रिस्पांस दे, इतना अच्छा रिस्पांस दे। अब देखिए मैं सुन रहा हूँ, मैं ये जो मैंने पढ़ा है जो जिनका वो पब्लिश ये एडवांस बुकिंग सिनेमा में शुरू हुई है जी, तो उसमें जो मेजर सिनेमे हैं जो की सिनेमे हैं उनके नाम नहीं है। ये क्या वजह हुई? उसकी वजह यही है कि वो जो सिनेमा इंडस्ट्री है, मैं पिछले 4-5 साल से हुकूमत पाकिस्तान से कह रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर आप पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बकवास चाहते हैं आप ना हमें एड दें, ना हमें पैसे दें, ना हमें कोई और फैसिलिटी दें, एक काम करें कि सिनेमा को ये समझाएं कि प्रोड्यूसर का एहसास करें। पूरे हिंदुस्तान में कितनी फिल्म 30% पे फिल्म लगती है, बड़ी फिल्म 20% पे लगती है, 70% प्रोड्यूसर का शेयर होता है और हफ्ते बाद मिलता है। यहाँ ये है कि करोड़ों रुपया लगाओ तो जिस वक्त सिनेमा के पास जाओ तो वो आपका 50% का पार्टनर है। कौन कौन से सिनेमाज हैं जो मैंने देखे? सनीप्लेक्स नहीं है, न्यूप्लेक्स नहीं है, सनी स्टार नहीं है। मतलब ये अगर इस तरीके से ये एक तरफ कहते हैं ये पाकिस्तान में अच्छी फिल्में नहीं बन रही, अगर एक प्रोड्यूसर ने अपना सारा कुछ लगा के एक अच्छी फिल्म बना ली है तो उसके साथ यार ऐसा सलूक करो कि कोई और प्रोड्यूसर भी बनाए। अगर आप इस फिल्म को भी वही उसी तकड़ी में तोलेंगे तो ये तो कभी भी ऐसा नहीं होता। दुनिया में, पूरी दुनिया में ये है कि बिग कास्ट जो होती है उसका टिकट और होता है, जो लो कास्ट है उसका टिकट और होता है, जो सिल्व है उसका और होता है। फिर अब ये मिसाल देते हैं जी बाहर सारे 50% लेते हैं, मान लिया, लेकिन जो बाहर सारे 50% लेते हैं वहाँ मैंने देखा है, मैं लंदन भी गया हूँ, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं कनाडा भी गया हूँ, वहाँ जिस वक्त ये क्लोज होता है ना रबिया जी, तो 9 बजे के शो के बाद प्रोड्यूसर का नुमाइंदा जाता है, आम आदमी प्रोड्यूसर खुद नहीं जाता और वहाँ सिनेमा ओनर नहीं होता, वहाँ एक अकाउंटेंट बैठा होता है, उसके हाथ में लैपटॉप होता है सामने, वो उसी वक्त बताता जी इस हफ्ते में इतनी टिकटें आपकी, इतनी हमारी, ये आपका शेयर डेली, हफ्ते बाद नहीं डेली, आप अपने पैसे लेके आ जाए। यहाँ ये है कि 50% भी लेना है, फिल्म ने सुपरहिट भी हो जाना है, आप कैश पैसे लेने हैं, पॉपकॉर्न अलग बेचने हैं, ठीक है जी, अगर 5 करोड़ का बिजनेस किया उसने तो 5 करोड़ के पॉपकॉर्न वो भी खा जाने हैं, और प्रोड्यूसर को चेक 3 महीने के बाद देना है, वो भी बाज दफ़ा डिसऑनर हो जाता है। तो ये अगर सूत रहेगी तो मुझे यही वजह है, आप देखें पीछे हिस्ट्री देखें, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, जवानी फिर नहीं आनी, जवानी 2, एक्टर इन लॉ, रॉन्ग नंबर, नामालूम अफराद, कितनी फिल्में सुपरहिट हुई, पाइपलाइन में फिल्म कोई नहीं, क्योंकि वो लोग अगर बच जाते हैं दोबारा बनाते हैं तो वो मैं समझाऊँ वो सिर्फ इसलिए उनको वहाँ कुछ स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कुछ मीडिया पार्टनर मिल जाते हैं, वहाँ उनको ये तरीका आता है थोड़ा वो अपना रिस्क कवर कर लेते हैं। यहाँ पंजाब में तो वो सिचुएशन नहीं, यहाँ प्रोड्यूसर क्या कहाँ से पैसे लाएगा? 50% से भी अगर 1 करोड़ फिल्म करती है यहाँ, उस 1 करोड़ में से जो प्रोड्यूसर के शेयर आता है ना, मेरे हिसाब से मैं जो मैं सुनता हूँ वो 30-35 लाख रुपये, तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का, पैसे उधार लेके अपना रिस्क बनना ये करना, और वो घर बैठे सिनेमा ओनर जो पैसे लेके अपने बैठे हुए शेयर भी नहीं देते। टिकट तो बल्कि महंगी बिक रही है, मुझे बताया लोगों ने कि वो 200 रुपये शायद महंगी है टिकट। मैं कहता हूँ जी वो तो इस फिल्म का करे, लेकिन बात यह है कि प्रोड्यूसर के साथ अब क्यों, ये इसलिए कोई शरायत होंगी ना, प्रोड्यूसर कह रहा होगा कि भी मैं इसको मेरे मैंने इतने पैसे लगाए हैं मुझे कुछ शेयर कम लो, यानी परसेंटेज, वो कहते होंगे नहीं जी हम वही लेंगे। तो मैं तो ऑन एयर कह रहा हूँ बिलाल लाशारी को कि एक सेंट में फिल्म लगा ले, लेकिन इनकी शर्त ना मांगे, बहुत जुल्म है, बहुत ज्यादती। कुछ नहीं जी, प्रोड्यूसर एसोसिएशन वाले भी ऐसे ही धोबा लोग हैं, नहीं करते जब पहले करते थे, जब ये अपने कामराम चौधरी साहब की अपनी फिल्म थी फैसलाबाद पत्नी, 84,000 रुपये का बिक तो उन्होंने उतार के एक तरफ फेंक दी थी। मतलब
बांग्लादेश में आया, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को उठाया, अपनी इंडस्ट्री के लिए उनका और वो सिस्टम है जो बाहर की फिल्म से आप 50% लें, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री इसमें ऑक्सीजन में है, आईसीयू में पड़ी है। अगर एक प्रोड्यूसर ने फिल्म बनाई है उसको इस कितने से डील करो कि अगली भी वो फिल्म शुरू करो, उसका हौसला हो जाएगा क्या यार, पैसे लगाओ तो पैसे आते हैं। यहाँ तो वो सिचुएशन नहीं है, और इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे जो बड़ा दुश्मन है वो सिर्फ मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है प्रोड्यूसर की कि फिर वो क्या करें। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग और वाकया हमें सुनाएं, कोई लेजेंड ऑफ मौला जट के हवाले से कोई आपको याद आ रहा हो उस वक्त, जो कि अभी तक हमने किसी इंटरव्यू में नहीं सुना या क्योंकि बाकी जी, मैं तो अपना एक आपको तजर्बा बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 413 फिल्में मेरी रिलीज हो चुकी हैं, और मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हाइएस्ट पेज डायरेक्टर, और मैंने सबसे ज़्यादा जो पैसे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में लिए थे वो सुल्तान राय के साथ मेरी आखिरी फिल्म थी, और वो थी सखी बात। उसके प्रोड्यूसर फौत हो गए, उनको जनरल रिसीव करे, उन्होंने मुझे 180,000 रुपया दिया था, ये मेरी हाईएस्ट अमाउंट थी, 96 की बात बता रहा हूँ। वरना प्रोड्यूसर मुझे कोई मेरा डायरेक्टर दोस्त था, कोई भाई बन गया, कोई बेटा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई चाचा बन गया, और मुझे मजबूरी होती थी अपने बच्चों को पढ़ाने की, क्योंकि मेरे पास कोई जायदाद तो थी नहीं, मैं किसी बड़े बाप का बेटा तो था नहीं, तो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं इनके हाथों ब्लैकमेल होता रहा। 50,000 में भी फिल्में लिखता रहा, 60,000 में भी लिखता रहा, 1,00,000 में तो बहुत कम लिखी, 1,50,000 में और कम लिखी, तो लेकिन लिखता रहा। वो अल्लाह की रहमत यह कि मेरी फिल्में चलती रही, मैं बेकार नहीं रहा, लेकिन आप यकीन करें कि बच्चों को पढ़ाने तक, इस मंजिल तक पहुँचाने तक जो मेरे ऊपर मेरी जायदाद बिक गई, मेरे घर की ज़मीन जायदाद वो बिक गई, मैं आज भी मकरूज हूँ, और अपने उन बच्चों का बगैर बच्चों को बताया वो मैं कर्जा उतार रहा हूँ। तो ये तो मेरी हालत थी। जिस वक्त मुझे इन्होंने साइन किया तो मेरे से बिलाल ने पूछा कि पैसे, मैंने कहा भाई जो वैशी जट थी पहली फिल्म 4,000 रुपये में की थी, उसके बाद दूसरी फिल्म थी वो तूफान 10,000 में की थी, आखिरी मैदान 7,000 में की थी, नौरी बादशाह 10,000 में की थी, जग्गा गुजर भी 10,000 में की थी, राजू रॉकेट फ्री की थी 1970s की बात, हाँ जी फ्री की थी, और मौला जट पौने 7,000 रुपये में की थी। सर भट्टी साहब का जर्फ देखें, कहते हैं एक दिन वो आए, वो जब केस चल रहा था, कि मैंने तो नासर देव साहब को कभी ज़िंदगी में ये समझा ही नहीं कि ये मेरा भाई नहीं है, मेरा सब कुछ इसके लिए है, जो ये कहे ये, और हमेशा मैंने इसको गाड़ी लेकर दी, मैंने इसको ये लेकर दिया, तो गाड़ी लेकर कैसे दी कि मैंने चांदमरियाम लिखी उसका, इन्होंने मुझे उस वक्त मैं 60,000 रुपया लेता, इन्होंने मुझे 23,000 रुपया दिया, वो इन्होंने टोटल पेमेंट मेरी कर दी, मैंने गाड़ी ले ली तो इन्होंने कहा गाड़ी मैंने लेकर दी, चलो ये भी बात। 7,500 रुपया इन्होंने मुझे वो मौला जट का दिया, 30,000 रुपया मैंने इनसे मांगा, फिर ये मेरे साले को ले आए, तो मैंने साले से कहा कि अब तुम आ गए, जो ये देंगे अब मैं ये ले लूँगा। बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि वो अक्सर कहते होते कि मैंने ये किया मैंने वो किया, ज़ुबानी तो बहुत कुछ किया, अमली तौर पर जो उन्होंने किया वो मैंने आपको बता दिया, बाकी रिज़्क का मुझे कभी फिक्र नहीं होता, कि अल्लाह का हुक्म है कि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मेरा रिज़्क मेरे पास है। हाँ, वो बात ये बताने चला था, जिस वक्त बिलाल से मैंने कहा, मैंने कहा भाई इस तरीके से अब तो 6-7-12 साल से मैं कोई फिल्म लिख ही नहीं रहा, डायलॉग लोग लिखवाते हैं, तो मैंने 1,80,000 रुपया लिया, मैं आपकी जो मर्जी दे देते थे, उन्होंने एडवांस में मुझे 1,00,000 रुपया दे दी, बीच में फिर मैं काम करने दौरान फिर 1,00,000 दे दिया, फिर बीच में काम करने उन्होंने मुझे 3,00,000 दे दिया, तो मैं समझा चलो ठीक है, अब इस ये बहुत बड़ी अमाउंट है, मेरे लिए भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, क्योंकि जिसने इतनी फिल्में लिखने के बाद 1,80,000 रुपये लिया हो, तो वो उस वक्त जवाल था इंडस्ट्री का, मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था उस वक्त, जब ये फिल्म साइड में एज ए राइटर काम कर ही नहीं रहा था, तो एक दिन वो सेट यही वही जो आपको किला लग रहा है उसमें मैं गया रात को, तो मैं जाने लगा तो मेरे साथ साथ बिलाल आए, कहता नासिर साहब वो मैंने आपको बताना था कि 10,00,000 रुपये आपको और मिलेगा। पत्नी वो मेरे काम से खुश हुए, मेरी डेडिकेशन से खुश हुए, मेरे रवैये से खुश हुए, मुझे नहीं पता, मैंने कहा जी ठीक है, तो कहता 5,00,000 रुपया आपको कल मिल जाए, 5,00,000 रुपया आपको आखिरी सेट में, तो ये प्रोटोकॉल, और ये देखा तो फिर पता चला कि यार ये जो नई इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है कराची, ये सही शिफ्ट हुई है,
क्योंकि अब मैं जिस इंडस्ट्री में काम करता रहा वो उस इंडस्ट्री में तो ज़रूर बताए बगैर पैसे नहीं मिलते थे, बताना पड़ता था। हालांकि मेहनत के पैसे होते थे लेकिन फिर बताना पड़ता था, यार मेरी गड्डी ख़राब हो गई, मैं बच्चे नहीं फीसा देने, बिजली का बिल आ गया, टैक्स आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो टूटता था अंदर से, मैं तो बड़ी बार टूटा, लेकिन फिर ये सोच के मैं बर्दाश्त कर लेता कि यार ना यहाँ तो सुल्तान राय की जरूरत पड़ रहा, बता के पैसे मांगते फिर मैं मांगता तो कौन सी बात। लेकिन वो जो फनकार टूटते रहे उनकी गैरत और उनकी अदा जो थी वो किरची किरची होती रही, तो उसकी सजा तो फिर अल्लाह ने देनी थी। आज इंडस्ट्री वाले आज फिल्म को तलाश कर रहे हैं, फिल्म नहीं। हाँ जी सर, तो अब मुझे ये बताएं कि फिल्म के अंदर सबसे ज़्यादा आपको किस कैरेक्टर ने इम्प्रेस किया, किसकी परफॉर्मेंस आपको सबसे अच्छी लगी? वैसे ये जो सवाल है ना आप करते, वैसे आप लोग होते बड़े चलाक हैं, जितने भी एंकर इंटरव्यू लेने आते हैं मसलन आपको ऐसी बात सवाल कर देते हैं जैसे कोई लड़ाई झगड़े का सिचुएशन पैदा हो या कंट्रोवर्शियल हो जाए कोई बात। लेकिन मैं इसका जवाब दूंगा और ये कंट्रोवर्शियल भी इंशाल्लाह नहीं होगा। देखें, मैंने इस फिल्म को 41 दफ़ा देखा है लैपटॉप पे, तो कभी बोर नहीं हुआ। इससे ये अंदाज़ा तो लगा लेना कि जो मैं देख रहा था, जिनको देख रहा था परफॉर्मेंस करते हुए, उन्होंने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की होगी कि 41 दफ़ा देखने के बाद भी बंदा बोर नहीं होता। तो उसमें यह कि फवाद खान से तो एक्सपेक्टेशन थी, हमजा बासी भी इससे भी थी, मायरा खान से भी थी, उन्होंने अच्छा काम किया तो जहन में आया कि इनको तो करना ही चाहिए था ना। मसलन जैसे क्रिकेट की टीम खेल रही है तो उसमें अगर जावेद मियां दहा रन बनाता है या वसीम अकरम विकेट लेता है तो वो तो अंडरस्टूड है कि उन्होंने लेना है। लेकिन जब कोई नया प्लेयर उठ के एकदम सेंचुरी मारता है या ऐसे मकाम पे खेलता है जब कोई बड़ा बैट्समैन भी नहीं खेलता तो वो नज़रों में आता है। तो उसमें 3 आर्टिस्ट ऐसे थे जिन्होंने मुझे बकायदा चौंकाया। उनमें एक तो था मीशा शफी के भाई हैं फारस शफी, चेहरा भी मैंने पहली दफ़ा देखा, वो मैं इससे पहले नहीं देखा था, हालांकि वो मैं सुना काम वाम करते थे, गाते भी हैं ना। राबिया जी जितनी बेसाख्तगी मैंने उसकी एक्टिंग में देखी आप यकीन करें पूरे मौला जट में नहीं है। उनकी पंजाबी बड़ी अच्छी है, फ्लुएंट है। हाँ जी, ये तो मुझे नहीं पता, वो तो डायलॉग रिकॉर्ड नहीं जाता, लेकिन उसने जिस मसला, हालांकि उसने फवाद खान के जैसे एक्टर के साथ काम, और फवाद खान के सामने बोलने के लिए एक्टर को सोचना पड़ता है, पजल भी होता है बड़े एक्टर के सामने। लेकिन आप यकीन करें वो ऐसे लगा जैसे उसने फवाद खान को समझे कुछ नहीं, ठीक है फवाद खान अपनी जगह, मैं अपनी जगह पर, इतने अच्छा बेसाख्ता। दूसरा एक लड़की है जिसने मेरे ख्याल 3 या 4 सीन किए, एक डांस किया है सायमा बलोच, उसका नाम। उसके लिए भी लाल ने बड़ी लड़कियों के इंटरव्यू किए थे और ऑडिशन मिले, फिर उन्होंने मैंने पूछा तो मुझे उस रोल में इंटरेस्टिंग ये थी कि वो लड़की ऐसी हो कि जिसके साथ जुल्म हो तो तरस आए, मतलब वो मासूम भी हो और परफार्मर भी हो और ज़रा सेक्सी भी हो, क्योंकि जो विलन था वो ऊट पटांग लड़की के पीछे तो नहीं जाता, और फिर पब्लिक सोचना शुरू कर देती यार किसके लिए तुम इतना वो कर रहे हो, ये पब्लिक एक एतराज़ हो। तो उसने कहा हाँ वो लड़की मिल गई नासर साहब, लेकिन वो उसकी शूटिंग उस लड़की की जितनी हुई उसमें मैं मौजूद नहीं। जिस वक्त वो फिल्म में चल के आई ना तो उसके 2-3 सीन और उसके बाद फिर उसका डांस हो गया, मैं तो परेशान हो गया। ऐसा उस लड़की ने, उसका भी हमजा बासी सामने है, हुमायूं कुरैशी, वो शफकत चीमा सामने है, बिलाल, वो फवाद खान सामने है, वो जो इसने माखन आता है और के गौर रशीद वो सामने, क्या उसने परफॉर्मेंस की, आप परेशान हो जाएंगे देख के। तीसरा जो करेक्टर था वो एक सिर्फ करदार ऐसा था जिसके बारे में मैंने बिलाल से ये कहा, मैंने कहा आपकी कास्टिंग जो भी है आपने सही की है, लेकिन दारो नथनी के लिए मैं नहीं समझता कि अमाय मलक जो है जो आपका इंतखाब है ये सही रहेगा। अच्छा, अमायमा मलक का मैंने नाम तो सुना हुआ था लेकिन मैंने काम नहीं देखा था, लेकिन उसकी जो जब उन्होंने वो दिखाई ना मुझे तस्वीर, तो उससे अब फौरन मेरे जहन में वो चकोरी का गट्टा पावर वो सारा आया उसका फिगर। मैंने कहा बिलाल यार ये इससे मैं मुतमिन नहीं। तो उसकी एक आदत है वो यूं करके ना कहता है ना सर नहीं ये बहुत अच्छा करेगी, ठीक
अब हर डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस होता है। बन गई, अब इतफाक से मैं उसकी शूटिंग नहीं अटेंड की। एक दफ़ा मैं सेट पर गया, लेकिन मैं काफ़ी देर किले में बैठा रहा, तो वो सेट रेडी नहीं हुआ और वो लगते रहे, तो फिर मैं वापस आ गया, मैं उसको बोलते हुए नहीं देखा। जिस वक्त राबिया जी मैंने फिल्म देखी पहली दफ़ा, तो मैं चुप का। आप यकीन करें कि मेरे हिसाब से हमजा अब्बासी और फवाद खान ने जो मौला जट को वो किया ना, कम्पीट किया या परफॉर्म किया, उनको बड़ा मार्जिन था। मार्जिन क्या था? हमजा अब्बासी का गेटअप, फवाद खान का गेटअप, दारू रखने का तो गेटअप भी नहीं था। एक सिंपल लड़की है, उसने अपने एक ड्रेस पहने हुए अमीराना ये वो, लेकिन उसमें जो उसने अपने दारो नतनी को निकाला ना बाहर, उस वो तो चेहरे से भी करख थी ना, जो चकोरी ने रोल किया था वो चेहरे से भी ज़रा करख थी उसकी, वो टर्नी उस टाइप से, लेकिन इसने जो चीज़ अपनी परफॉर्मेंस से बाहर निकाली है, मैं परेशान हूँ। इतना अच्छा परफॉर्म किया उसने, इतना के मतलब है कि ये कहना पड़ता है, मैं समझता हूँ कि जो आप भी अक्सर राइटअप लिखती हैं फिल्में देखने के बाद, तो मैं आपसे सिफारिश तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना आपसे ज़रूर कहूँगा कि वो आपको मजबूर कर देगी कि आप उसका ख़ास तौर से जिक्र करें कि इसने दारू नतनी का, इसको वो स्टेज भी नहीं थी, स्टेज होती ना गेटअप बड़ा चीज़ होती है, गेटअप के पीछे माहौल, उसका तो माहौल भी बड़ा सॉफ्ट था, मीराना ये वो फलां, और उसमें इतनी करख्त रोल और इतने वो एक गुरूर और कमाल की कॉन्ट्रास्ट है। नहीं, मैंने तो आपसे पहले भी कहा, जो पुरानी मौला जट में भी दारो का जो कैरेक्टर है वो मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर है, बड़ी अनयूजुअल कैरेक्टर है बेशुमार लोगों को, बल्कि बाद लोग नूरी नाथ से ज़्यादा दारो नतनी को याद करते हैं, इसलिए मैं सोचता था ना कि ये कैसे करेगी, लेकिन उसने मुझे बताया कि नासरदीप तुमने बिलाल से ये कहा था, ये नहीं उसको ताकि ये बात तो नहीं पहुंची। अच्छा। लेकिन मेरा अपना ज़मीर मुझे बताता है कि उसने मुझे जैसे ही जवाब दिया हो कि तुम कहते थे मैं अप टू द मार्क नहीं आऊँगी, तो देख लो अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने कर दिया, बहुत अच्छा किया उसने। उनके लिए कोई खास डायलॉग भी आपने लिखे हैं? जी हाँ, लेकिन उसके लिए डायलॉग भी मैंने बड़े ज़ोरदार लिखे, और वो आप देखेंगे फवाद खान के साथ उसका सीन है, और वो मैंने ख़ास तरह देखा, आप देखिएगा क्या बोली है वो, मतलब ज़िद बोली है तो आपको ज़िद लगेगी, ज़ोर बोली है तो ज़ोर लगेगी, जोश बोली है तो जोश लगेगा, जज्बा बोली है तो जज्बा लगेगा, बहुत अच्छा। चलें नासिर, थैंक यू सो मच, आप आए, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और एंटीसिपेशन मेरी तो बढ़ गई और ज़्यादा मौला जट के लिए, लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए और ज़्यादा। आप बाकियों को तो छोड़े, वो तो हैं ही ना, मैं वही कहता हूँ, आप मैच देखने जाती हैं जब तो छक्का मारेगा अदमिया दाद, कोई नहीं बात नहीं, उसने बड़े छक्के मारे, फवाद खां, हमजा अब्बासी और मायरा खां को एक तरफ रख दे, आप इन तीन करेक्टर को देखिएगा, फारस को, वो सैमा बलोच को, और दारू नतनी को, अमान अमान को। चलिए ठीक, थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, आपने सुनी बातें नासिरदीप साहब की। अब 13 अक्टूबर थर्सडे वाले दिन जो है लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हो रही है, जाइए अपने टिकट्स बुक कराएँ एंड हैव फन।